अररिया में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ाने वाले बदमाशों के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अररिया नगर थाना पुलिस ने दो अलग अलग कांडों में चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ दो युवकों को बनगामा गांव से गिरफ्तार किया, जबकि एक बाइक चेकिंग के दौरान स्टेशन रोड के पास बरामद हुई। वहीं अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि देवरिया बारीघाट में सैदुल रहमान के घर में चोरी की बाइक मिली है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस ने सैदुल के घर छापेमारी कर चोरी की बाइक को बरामद किया और पूछताछ में पता चला कि डुमरिया के रहने वाले हसन से इस बाइक को 8,000 रुपए में खरीदा गया है। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद हसन को बनगामा गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया और पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल लगा हुआ है, उस सूचना के सत्यापन करने पर जब सैदुल रहमान के घर पर गए तो मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR 39L 5097 है वो उस सैदुल रहमान के घर से बरामद हुआ। उससे पूछने पर उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल को 8,000 रुपया में बनगामा के ताजुद्दीन के यहाँ से ये लाए हैं। इस आधार पर फिर बनगामा में जाके ताजुद्दीन के घर पर भी छापामारी किया गया तो वहां पर जो है सो पूछताछ की प्रस्थान ताजुद्दीन पर उनके घर से हसन को खोजा गया कि हसन से लिया था। हसन को वहां पर उपस्थित भी पाया गया, हसन को भी गिरफ्तार करके लाया, लेकिन कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये उक्त दोनों जो है मोटरसाइकिल खरीदने का काम किया है ये और चोरी करने का काम किया है हसन। ये दोनों मिलकर गैंग बना के मोटरसाइकिल चोरी करके खरीद बिक्री का काम करता है। दोनों जब मोटरसाइकिल को जब्त किया गया उक्त मोटरसाइकिल को और दोनों को इस कांड में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह में शामिल बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।